दोस्तों हंटर 350 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। कब मैंने इस बाइक को बुक किया, कितने दिन में डिलीवरी मिल गई, कितनी कीमत इसकी मुझे पड़ी, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है बातों बातों में थोड़ी सी फालतू हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं हंटर 350 खरीदने की, सोच रहे हैं कि भाई हंटर 350 ले लें, तो डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका बेनिफिट जरूर होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत आपको सही सही बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की वीडियोज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंडर 350 से रिलेटेड, तो आप निश्चिंत रहिए, सभी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बुलेट अड्डा, उसको भी ज्वाइन कर लो, आपका फ़ायदा ही होगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ एसेसरीज के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अगर परचेज करते हैं तो मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए काफ़ी समय से आपको पता होगा, जो लोग काफ़ी मुझे रेगुलरली मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने अपनी स्टैंडर्ड 350 बेची थी, और क्यों बेची थी वो भी वीडियो मैंने डाली थी। अब मैं वेट में था कि एक सही प्रोडक्ट सही कीमत पर कब लॉन्च होगा, रॉयल एनफील्ड की तरफ से हो या किसी और कंपनी की तरफ से हो, मुझे वेट था इस बाइक का, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम थी कि जो हंटर 350 या जिस नाम से भी बाइक आने वाली है, क्योंकि उस समय डिसाइड नहीं था कि हंटर 350 ही होगा, वो डेफिनेटली एक कम कीमत पर आएगी। काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया था कि बदसूरत सी बाइक आएगी और उसकी कीमत 1,20,000 1,30,000 आएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, और जो इसकी कीमत होगी वो इतनी कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 1,50,000 रुपये तक आ सकती है। तो दोस्तों 7 अगस्त को ये लॉन्च हुई और डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब जो मैंने कलर चूज़ किया है वो है डैपर वाइट। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें टोटल 4 वेरियंट है, आपको पता होगा रेट्रो और मेट्रो, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें 4 वेरिएंट है। पहला जो है इसका बेस वेरिएंट है जो आपको पता होगा, सिंपल ब्लैक सिंपल सिल्वर। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट है वो है डैपर वाइट और डैपर एश। इनकी मैं कीमतें भी आपको बता देता हूँ, 1,50,000 है, 1,50,000 है सिंपल ब्लैक सिंपल सिल्वर वाले कलर की, जो बेस वेरिएंट है, बिल्कुल शुरुआत जहाँ से होती है अंडर 350 की। उसके बाद दूसरा वेरिएंट आता है डैपर एश और डैपर वाइट, इसमें 2 ही वेरिएंट आते हैं। इसकी कीमत जो होती है वो होती है 1,64,000 फिर वो 100 रुपये कम कर दिए। उसके बाद दोस्तों एक ब्लैक ब्लैक ग्रे कलर आता है, मुझे नाम उसका क्लियर याद नहीं आ रहा, उसकी जो कीमत है वो है 1,65,800, तो वो 1,800 रुपये महंगा है इससे, और ऑन रोड जाते हैं तो 2,500-3,000 रुपये महंगा पड़ जाता है। इसके बाद जो टॉप वेरिएंट वो आता है रीबल ब्लू रेड ब्लैक, ये 3 कलर आते हैं, इसकी कीमत है 1,68,900। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, काफ़ी सारे लोग आप में से पूछ रहे थे कि कौन सा कलर बेस्ट है। देखिए कलर मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे जो पसंद था मैंने ले लिया, अब ये आपकी समझ है, आपकी सोच है, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। लेकिन हाँ एक बात बोलूँगा, जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो 2 ही कलर हैं, डैपर वाइट और डैपर एश। उसका रीज़न है वो टॉप जो कलर वेरिएंट है, कोई फीचर्स में कोई कमी नहीं है, कोई कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ कलर का फर्क है। वो ये जो 2 कलर हैं वाइट और एश, ये वाले जो 2 कलर हैं ये 5,000 रुपये सस्ते हैं टॉप वेरिएंट से, टॉप कलर से, वेरिएंट नहीं टॉप कलर से। जो हमारा रीबल वाली जो इसका ब्लू ब्लैक और रेड आते हैं उससे 5,000 रुपये सस्ते हैं, मतलब ऑन रोड जाते हैं 6,000-6,500 रुपये तक का फर्क आ जाता है आराम से। लेकिन मैंने ऐसा सोच के नहीं लिया, मुझे शुरू से ही वाइट कलर पसंद आया था, तो मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई ले लूँगा। अब मैंने जो अपनी बाइक जो बुक कराई है वो 5,000 रुपये देकर अपने लोकल एरिया से ही बुक कराई थी 12 अगस्त के दिन। हमारे लोकल एरिया में ऑलरेडी बाइक खड़ी थी ब्लू वाली, और मेरी एक खुशकिस्मती समझिए कि 12 तारीख को ही वाइट कलर उनके पास आया था, तो मैंने 12 तारीख को उनको बोल दिया था कि भाई ये वाला कलर जो है मेरा हो चुका, और उन्होंने मुझे 14 तारीख के लिए डिलीवरी के लिए बोल दिया। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हुआ, 5,000 रुपये मैंने जमा करे, मेरा बुक कर दिया, और मुझे 14 तारीख को डिलीवरी मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन का ही वेट करना पड़ा, और इन 2 दिनों में ही मैं बेचैन हो गया था, क्योंकि
मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाता। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए और मैं उसे ले, मतलब सब चीज़ मेरे पास है, उतना पैसा है, तो फिर मुझे वो चाहिए। अब दोस्तों आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, है क्या, मुझे मेरे एरिया में 2 दिन में बाइक मिल गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ मुजफ्फरनगर की, तो वहाँ पर मुझे जो बोला गया था, मैं आपको बता देता हूँ, 10 से 15 दिन बोले गए थे। मतलब उन्होंने बोला था कि आज आप बुक करा दीजिए तो हम आपको 10 से 15 दिन में, 10 to 15 days में डिलीवरी दे देंगे। एक दो शोरूम पर मैंने और भी मालूम किया था, तो वहाँ पर मुझे बोला गया कि विद इन ए वीक हम आपको डिलीवरी दे देंगे। तो आप मान सकते हैं कि अभी हंटर 350 सभी शोरूम्स पर अवेलेबल है। हो सकता है मेरे एरिया में लोग मुझे जानते हैं थोड़ा, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे एक दिन बाद ही डिलीवरी दे दी। इंश्योरेंस का इशू आया था, कुछ सर्वर वगैरह का इशू आया था, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, हटके चीज़ है, लेकिन 1-2 दिन में ही मुझे डिलीवरी मिल गई। हो सकता है आपको 10 से 15 दिन का भी टाइम बताया जाए किसी किसी शोरूम पर। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कंपनी की तरफ से जो डिलीवरी पीरियड है, मतलब डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है, समय है, वो 45 days तक मैक्सिमम हो सकता है हंटर 350 के लिए। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, हो सकता है किसी भाई को 45 days का ही वेटिंग पीरियड मिला हो, लेकिन आप 2-3 शोरूम पर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5-7 दिन में मिल जाएगी। अभी स्टॉक काफ़ी सारा है हंटर 350 का, और ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि इस बाइक की ऑन रोड कीमत क्या पड़ेगी। देखिए अब मैं डैपर बाइक जो मैंने गारंटी लिया है उसकी बात करूँगा। हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, इंश्योरेंस की कीमत भी अलग अलग हो सकती है, तो एक आप एवरेज प्राइस मान के चलिएगा। इसकी जो एक्शोरूम कीमत थी डैपर वाइट जो वेरिएंट है, इसकी जो एक्शोरूम कीमत थी वो थी 1,64,000 rupees की, लगभग 18,000 rupees रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा, और लगभग 12,000-12,500 rupees इंश्योरेंस इसका दिया मैंने। इसके अलावा जो लेग गार्ड होता है, वो मैं पहले से सोच रखा था कि ओरिजिनल कंपनी का ही लेग गार्ड मैं यूज़ करूँगा, जो साइड में लेग गार्ड होता है उसको कुछ जगह पर इंजन गार्ड ही बोला जाता है शोरूम पर, लेकिन लेग गार्ड अलग है, इंजन गार्ड अलग है, इंजन गार्ड नीचे की तरफ से लगता है। तो सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप भी ना करें, मैं आपको बोलना चाहूँगा। और दोस्तों 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर मुझे लगभग 2,04,000 rupees की ऑन रोड कीमत पर ये बाइक पड़ी है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने मुजफ्फरनगर में ट्राई किया, मैंने खतौली में ट्राई किया जो मेरा लोकल एरिया है, मेरठ में ही मैंने मालूम किया। एक चीज़ मुझे कॉमन पता लगी कि जो एक बीमारी है रॉयल एनफील्ड के अंदर, कमी है शुरू से ही, हालांकि जो शोरूम वाले हैं उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वे आप जो मेरे एरिया के शोरूम वाले थे काफ़ी सपोर्टिव थे, हर तरह की सपोर्ट करी, लेकिन एक जगह थोड़ी सी मुझे चीज़ अजीब लगी, वो ये कि शोरूम पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी और लेग गार्ड और RSA ये चीज़ लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब आपको जबरदस्ती थोपी जाएंगी चीज़ें कि आप एक्सटेंडेड वारंटी लेग गार्ड लीजिए। और एक्सटेंडेड वारंटी मैंने भी लेने का कोई प्लान नहीं बनाया था, आप ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं है, दिल्ली हरियाणा और बहुत सारी जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशली हमारे एरिया में ऐसा मैंने कई जगह देखा है, उत्तराखंड में मैंने ऐसा देखा है, देहरादून हरिद्वार इस जगह पर भी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे शोरूम पर ये बात बोली जाती है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी पड़ेगी, लेग गार्ड लेना पड़ेगा, RSA लेना पड़ेगा। तो ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद दोस्तों जो आपका जो एक क्वेश्चन और आ रहा है वो है कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। तो आपको बता दूँ मेरी जो हाइट है वो है 5'7", और जो ये बाइक रिकमेंड है, मतलब कि आराम से जिनकी हाइट 5'4" है तो वो भी आराम से इसको चला सकते हैं, चलाने को तो 5'3" वाले भी चला सकते हैं, लेकिन 5'4" वाले की जो पैर हैं पूरी तरीके से जमीन पर टिकते नहीं हैं, थोड़ा इस तरीके से रहेंगे, मेरे भी पूरी तरीके से आ जाते हैं, तो हाइट का कुछ इतना इशू नहीं है, 5'3" 5'4" तक आप आराम से इसको चला सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद दोस्तों जो एक क्वेश्चन और आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुझे
कंप्लेन थी कि किक नहीं है क्लासिक 350 में, तो किक नहीं है तो बेकार है, आपने क्यों ले ली बिना किक वाली बाइक। दोस्तों मैंने कभी भी नहीं कहा कि किक नहीं है तो बाइक बेकार है, मैंने हमेशा ही बात कही है कि क्लासिक 350 का जो डिज़ाइन है वो पीछे की तरफ से मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, जो उसकी टेल लाइट वगैरह है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और मैंने ये बात बोली है कि किक अगर होती तो बहुत बढ़िया होता, तो किक अगर इसमें भी होती अंडर 350 में, फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया होता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अपनी बातों से पलट रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये बात कही नहीं, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि इंजन जो है पहले से बेटर है। दोस्तों इसके बाद जो है एक क्वेश्चन हो रहा है कि आ रहा है मेरे पास कि सिटी के लिए कैसी है भाई। तो दोस्तों सिटी के लिए अच्छी है भाई, आराम से चल जाती है, थोड़ा क्लच वगैरह हार्ड है, और क्लच क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है उसकी वजह से थोड़ी शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लगने लग जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो ज़्यादा मज़ा आता है। एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों CSD में कब तक आ जाएगी। देखिए मुझे अभी लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है CSD में उसके बाद ही आएगी, अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं है क्योंकि अभी तो शोरूम पर ही आना शुरू हुई है, अभी वेरिएंट भी पूरी तरीके से नहीं आए हैं। बेसिकली पहले एक ही कलर दिया गया था सभी शोरूम पर, जो रीबल ब्लू है, जो ड्यूल टोन कलर है, जो टॉप कलर है इसका वो वाला ही आया था, उसके अलावा कोई कलर ही नहीं था। धीरे धीरे वेरिएंट आ रहे हैं, धीरे धीरे कलर्स आ रहे हैं शोरूम पर भी, तो CSD में तो अभी काफ़ी समय लग सकता है। तो दोस्तों ये थे सारी जो आप क्वेश्चंस थे, और जब भी आप हंटर 350 लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरे पास अभी एक बाइक है सुजुकी जिक्सर 155, जिसको कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था, वो अभी फॉर सेल है। मतलब मैं देना चाहता हूँ, अगर कोई भाई मुजफ्फरनगर या आसपास के एरिया से है वो उस बाइक को खरीदना चाहता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकता है। 2015 लास्ट मॉडल है, जो कि सिर्फ 27,500 किलोमीटर चली है और जिसकी डिमांड मेरी 43,000 रुपीज़ की है। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं अगर आपको एक बाइक की नीड है, अच्छी साफ सुथरी बाइक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, देखिए।